आप एम ऑडिबल? वालेकुम सलाम मैम। यस मैम, आ रही आवाज़? ओके जी, नहीं ना मेरा कोई सवाल। यस मैम, एक सेकंड, एक क्वेश्चन है। मैम, बुक की पेज 8 पे 2 लाइंस लिखी हैं उनकी, मैं नहीं समझ आ रही। पेज नंबर 8। कहाँ पे 2 लाइन चाहिए पेज नंबर 8 मैम, पे? ये बी पॉइंट के नीचे 2 लाइंस लिखी हैं, मतलब दो पैरा लिखे हैं छोटे छोटे। बी पॉइंट के नीचे? इट यस शुड मैम, बी नोटेड फॉर द पर्पज ऑफ ए एंड बी अबव अ फर्म वेयर मेजोरिटी ऑफ प्रैक्टिसिंग। ये है, इसी की बात कर रहे हैं? यस मैम। आते हैं, इसका मतलब क्या है? एक मिनट में बुक शेयर भी कर लेते हैं। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस मैम, हो रही है। अच्छा जी, क्या क्या रहा है? तो सबसे पहले तो ये बताता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है जी, कि चार्ट कॉस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान या फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये किसको ऑडिट करेगी? हमने कहा था पब्लिक कंपनी का करेगी, या ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि जिसकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, या प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा का हो, उसका ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस जिसके चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, किधर से हो, या तो इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट से हो, या फिर वो क्या हो, एक फर्म हो। फर्म कौन होती है? ऑडिट फर्म जिसके अंदर पार्टनर्स होते हैं और उसके अंदर मेजोरिटी लोग आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद होते हैं। एक मिनट आने आप, अच्छा जी, तो हमने कहा कि आपके पास ऑडिट फॉर्म्स भी होते हैं जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, ऑडिट फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर तमाम पार्टनर्स होते हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे मैनेजर्स भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है वो स्टूडेंट जो भी क्वालिफिकेशन के टाइम पीरियड में रहते हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जिस पॉइंट की तरफ इशारा दिया गया है, इसको अगर हम रीड आउट करें, इट शुड बी नोटेड फॉर द पर्पज ऑफ ए ऑन बी अबव, इन दोनों पॉइंट्स में फर्म वेयर मेजोरिटी ऑफ प्रैक्टिसिंग पार्टनर्स आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, कि जहां पर मेजोरिटी लोग जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो वो उनका नाम, वो किस नाम से रिकग्नाइज किए जाएंगे जो कि उस फर्म का नेम होगा टू बी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। दानियल के भी अवेलेबल
ओके जी। तो अब जैसे फॉर इंस्टेंस हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास एक फर्म का नेम लेते हैं, ठीक है जी। हम कहते हैं हमारे पास एक फर्म है, सपोज दानियाल है, दानियाल की फर्म है, और दानियाल उसके अंदर खुद हम कहते हैं दानियाल एंड वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और इसके अंदर सिर्फ दानियाल मौजूद हैं, ठीक है, जिनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है ऑफ प्रैक्टिसिंग, और ये प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट है ये किसने इशू किया, ये आपको आईकैप ने इशू किया। याद रखिएगा कि जब आप क्वालिफाइड करते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं और आप अपने इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट मेंबर बन जाते हैं, तब आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा आप, ठीक। अच्छा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी भी कंपनी को ऑडिट कर सकते हैं, नो, दे हैव टू गेट दिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। आप ये प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट लेंगे और उसके बाद आप कंपनीज का ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके बाद ये तमाम एक्टिविटीज, ऑडिट से रिलेटेड असाइनमेंट्स को कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है कि एक ऐसी फर्म जिसके अंदर मेजोरिटी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जैसे आप KPMG ले लें, PwC ले लें, डिलॉयट ले लें, BDO ले लें, तो वो किस नाम से पहचानी जाएगी, वो अपने उस फर्म नेम के साथ पहचानी जाएगी जो उसका नाम होगा। अब आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि इस फर्म ने फर्स्ट पेंशन, इसके अंदर दानियाल भी है, इसके अंदर हम एक दो नाम ले लेते हैं, उस्मान भी है, अली भी है। अब इस तीन, ये तीनों बेसिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पर हम इसको रिकग्नाइज करेंगे किससे, जो इस फर्म का नेम होगा, सही है। यही बात वो यहाँ पे ये कर रहा है, अ फर्म वेयर मेजोरिटी ऑफ प्रैक्टिसिंग पार्टनर्स आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट विल बी अपॉइंटेड बाय इट्स फर्म नेम टू बी ऑडिटर्स ऑफ दी कंपनी, ठीक है। अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी है, ठीक है, हमारे पास, हमें एक कंपनी ले लेते हैं, हम कहते हैं ABC कंपनी, ठीक है। अब ABC कंपनी ने अपने ऑडिट करवाना है, ऑडिट करवाने के लिए वो इस फर्म नेम, हम इस फर्म का नाम रख देते हैं DAU, डी से दानियाल, ए से अली, आसमान, ठीक है, DAU एंड को। अब वो DNU को अपॉइंट करती है कि जनाब आप मेरा ऑडिट करेंगे। अब DNU इसमें से किसी भी एक पर्सन को इंगेज कर सकती है इस कंपनी के ऑडिट के लिए, वो दानियाल को भी कर सकती है, वो उस्मान को भी कर सकती है, वो अली को भी कर सकती है। अब ऐसा नहीं होगा कि ABCN को अपने AGM के अंदर बताया कि जी अली मेरा ऑडिटर है, नहीं, वो बताएगा मेरे ऑडिटर कौन है, DAU ऑडिटर। ये बात समझ आई आपको, यस मैम। ठीक है। जैसे KPMG है या फर्गसन है, PwC है, मल्टीपल कंपनीज के ऑडिट करती है। कभी हम ये तो नहीं कहते कि PwC के अंदर जो ये पार्टनर है ये इस कंपनी को ऑडिट कर रहा है, नो, हम कहते हैं PwC इज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। बात समझ गए। अगला यस मैम। पॉइंट है, आप एक दफा इसको रीड कर लीजिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। जी, इस पहले वाले पॉइंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो मैम। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट के अंदर क्या होता है कि जनाब, इधर हम जाते हैं, ठीक है, हमने कहा ये फर्म नेम है, उसके अंदर दानियाल है, उस्मान है, अली है, और एक और हम पर्सन डाल देते हैं, अहमद, ठीक है जी। अब हमने कहा ये हैं तो पार्टनर सारे, कोई रेगुलेशन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जनाब ये जो अहमद हैं ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करे, कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट होती है, यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है, अगर उसको स्टार्ट करें तो उसमें मेंशन होता है कि जनाब किस कंपनी को, एक तो पहले मेंशन होगा ये ऑडिट रिपोर्ट है, कि जो चीज हम करने जा रहे हैं वो इसका ऑडिट है, किस कंपनी की है,
ओपिनियन उसके अंदर आएगा। मैंने कहा था हम इसको बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हमारे चैप्टर 14 के अंदर। ओपिनियन क्या है, की ऑडिट मैटर्स क्या है, कुछ खास किस्म के पैराग्राफ्स होते हैं वो भी उसके अंदर डिस्कस करते हैं, और एंड में क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है। अब साइन होती है कि जो उसका इंगेजमेंट पार्टनर होता है वो भी उसको साइन कर सकता है, और फर्म के नाम पे भी साइन हो सकती है। अब क्या है कि अगर कोई पार्टनर वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मीट नहीं करता था, ठीक है, तो वो इस रिपोर्ट को साइन भी नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं, जो पर्सन इस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मीट नहीं करेगा, ठीक है, वो काम कर सकता है, लेकिन हम उसको जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे कहीं पे भी उसका नाम नहीं लिखेंगे। बात समझ रहे हैं, उसका नाम यस हम सर, कहीं पे मेंशन नहीं करेंगे। यही बात इस पैराग्राफ के अंदर कह रहा है। वेयर अ पार्टनरशिप फर्म इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ओनली द पार्टनर्स हु मीट द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स एज गिवन अबव विल बी ऑथराइज टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब वो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है जो हमने ऊपर पढ़ी थी जी, फॉर इंस्टेंस अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि वो हम क्या करेंगे, हमारे पास उसका सेफ गार्ड क्या होगा, हम ऐसे पार्टनर को उस ऑडिट असाइनमेंट में शामिल ही नहीं करेंगे। ये बात याद है आपको? यस मैम, अगर किसी किस्म का फैमिलियरिटी थ्रेट आ रहा है, कोई जान पहचान है, तो हम उसको उस असाइनमेंट के अंदर शामिल ही नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो तमाम चीजें हैं ये हम कोड ऑफ एथिक्स के चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपका ये पॉइंट क्लियर फर्दर हो जाएगा जी। कोई और सवाल? चलिए जी, आज का हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक टास्क दिया था, होमवर्क दिया था, मैंने आपसे कहा था कि आपने इसकी वैसे तो हमने इसका सब देख लिया था, सिर्फ राइट्स को स्टडी करके आना है, और ड्यूटीज मैंने आपसे कहा था हम चैप्टर 14 के साथ इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे। ऐसा ही है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ जी। हमने कहा था कि हम इसकी राइट्स को ड्यूटीज हम चैप्टर 14 के साथ कर लेंगे। राइट्स आपने देख लेने, अगर राइट्स को हम वेदर ओवरव्यू करें कि राइट्स हमारे पास क्या क्या हैं, तो हमने कहा था थोड़ा सा एक ओवरव्यू करते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। हमने कहा था कि जनाब सबसे पहले तो हमने इस चीज को समझा था कि ऑडिट है क्या। हमने कहा था ऑडिटर, ऑडिट क्या होता है, एग्जामिनेशन, ऑफिशियल एग्जामिनेशन होती है इसकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड की। ऐसा ही, अब वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड हमारे पास क्या था, फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास उसकी आपके जो बेसिस, सबसे पहले तो ये चीज हमें देखनी है कि वो एक मेन प्रोडक्ट क्या होता था जिसका हम ऑडिट करते थे। हमने कहा था हम अगर हम ओपिनियन की तरफ जाएं, जो हमने ओपिनियन दिया था, हमने कहा था ओपिनियन क्या था, इन आर ओपिनियन में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को F/S ले दूं कोई इशू तो नहीं है मैम जी। हमने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लिखते थे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को मैंने अब शॉर्ट में लिख दिया। सबसे पहले हमने कहा कि जनाब ऑडिट के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका वो ये ओपिनियन ही देना है। और मैंने कहा इस ऑडिट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन करो फाइनेंशियल रिकॉर्ड की, और यहाँ भी वही बात कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती किसकी बेसिस में है, आप FR1 पढ़ चुके हैं, आपने देखा था वहां पे एक ट्रायल बैलेंस होता था,
ठीक है था, वहां पे एक लेजर होता था, और जो ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें तमाम मौजूद आती थी, सपोज हमने कहा कि आपके पास किसी एसेट का डाटा या अकाउंट पेबल का डाटा, किसी भी चीज का डाटा, डेटर्स का डाटा, इन्वेंट्री का डाटा, इन सब की भी अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट बनी होगी, एसेट की बनी होगी। ठीक है जी, कितना एसेट आया, कितना चला गया, कितनी चीजें आई, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हो गया, कितने एडिशन होंगे अकाउंट पेबल के, आपके पास कितना एडिशन हुआ, कितने आपके अकाउंट पेबल आपने बैंक के थ्रू पे कर दिए, डेटर्स आपके पास कितने इंक्रीज आए, ओपनिंग कितने थे, क्लोजिंग कितनी थी, आपके पास पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं। इन्वेंट्री आपके पास ओपनिंग कितनी थी, ओपनिंग कितनी थी, क्लोजिंग कितनी थी, सही है। तो ये तमाम चीजें आपके पास रिकॉर्ड बन रहा होता है। अब अगर मैं ऑडिट करने जाती हूँ और मैंने डेटर को देखना, तो मैं कहूंगी मुझे डेटर का पूरा लेजर दे दो। मैं उनसे कहूंगी जी मुझे एक तो डेटर का लेजर दो, मैं उनसे कहूंगी मुझे लिस्ट ऑफ डेटर्स भी दो, मैं उनसे कहूंगी मुझे इनका एजिंग एनालिसिस भी दो। एजिंग एनालिसिस क्या मतलब है कि कौन सा डेटर कितना पुराना है, हाउ ओल्ड आर यू, कितने ओल्ड हैं, कितने पुराने हैं, कितने टाइम से पैसे अभी तक नहीं दिए, ठीक है, कितने टाइम से अभी पेमेंट रहती है, 1 साल से, 3 मंथ से, 6 मंथ से, कितने टाइम से पेमेंट रहती है, ये तमाम रिकॉर्ड मुझे दो। अब मैं ये जो रिकॉर्ड, ये जो इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं, मैं इसको वेरीफाई करूंगी अपने इस डेटर लेजर के साथ कि जी उसने कहा जी एक डेटर, उसने 3 मंथ से पैसे नहीं दिए, मैं उसको वेरीफाई कर सकती हूँ लेजर से कि जी अच्छा वो सेल्स की ट्रांजेक्शन हुई कब थी, कर सकती हूँ ना, क्या एग्जैक्टली 3 मंथ का टाइम पीरियड ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा, मैं क्या करूंगी, मैं क्लाइंट पे जाऊंगी, मैं सबसे पहले कहूंगी कि जनाब मुझे जरा अपनी तमाम, जरा ये लेजर, ट्रायल बैलेंस, बुक्स ऑफ अकाउंट, ये तमाम चीजें मुझे दे दो। क्यों दो, मुझे ऑडिट करना है, मुझे काम चाहिए, मैंने पढ़ना है, मैंने देखना है, मैंने इसको देखना है क्या, मैं क्यों, क्योंकि मुझे ओपिनियन देना है, और ओपिनियन के लिए मुझे चाहिए क्या, इस ओपिनियन के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑडिट एविडेंस। उस ऑडिट एविडेंस की मैं ये सारे रिकॉर्ड देखूंगी और इसी से तो फिर मैं ऑडिट एविडेंस एक्सट्रैक्ट करूंगी और इसी के बेसिस पे मैं ये ओपिनियन दूंगी, ऐसा ही है। तो मैं उससे कहूंगी कि जनाब आपके पास जितना भी बुक्स अकाउंट्स हैं, वाउचर्स पड़े हैं, सारे मुझे दे दो, ठीक है, अगर किसी और ब्रांच में पड़े हैं मुझे उसके दे दो, ठीक है, अगर मुझे किसी ये होल्डिंग कंपनी, सपोज एबीसी कंपनी का मैं ऑडिट करने जा रही हूँ और उसकी एक होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी एक्स वाई जी कंपनी, मुझे इसका डाटा चाहिए, मुझे इसका दे दो। मैं एक्स वाई जी का कंपनी को ऑडिट करने जा रही हूँ, मुझे एबीसी कंपनी का डाटा चाहिए, मुझे इसका डाटा दे दो, ठीक है, मुझे कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उससे ले लूंगी, उससे कहूंगी अच्छा जी आपके डायरेक्टर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपके सीईओ के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, किसी एम्प्लॉय के पास, कोई एएम फाइनेंस आप ऑडिट करने जाएंगे, अगर सपोज आप एचआर का कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट का कर रहे हैं, फाइनेंस का कर रहे हैं, आप उनके तमाम मैनेजर्स के पास जाते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, कोई क्वेरी आती है उनसे सवाल करते हैं, सही है, अगर वो आपको डाटा, आपको इन्फॉर्मेशन ना दें, सपोज आपको 3 दिन हो गए अभी तक क्लाइंट पे गया, ना उन्होंने आपको कोई लेजर दिया, ना ट्रायल बैलेंस दिया, तो आप क्या करते हैं, एक ईमेल फौरन से अपने पार्टनर, अपने सीनियर मैनेजर को सेंड कर देते हैं, और सीनियर मैनेजर फिर पार्टनर जो क्लाइंट को कहते हैं कि जनाब मेरी टीम 3 दिनों से गई हुई है, आपने अभी तक डाटा भी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, ये मैटर एक्सप्लेन हो जाता है, टाइम तो नहीं होता ना आपके पास, आपके ऑडिट फर्म के अंदर इतनी ढेर सारी कंपनी है जिनके ऑडिट करने हैं, क्या उस टाइम क्लाइंट पर बैठे ने, ऐसा तो नहीं है। तो अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन ना दें, आपको याद होगा जब हम प्लानर डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था एक हमारे पास स्टैंडर्ड था ISA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, लिख के दो, हर चीज उसे कहेंगे लिख के दो, लिख के दो कि तुमने मुझे सारा डाटा दे दिया है,
लिख के दो कि तुमने मुझे एक्सेस प्रोवाइड कर दी है टू एवरी पर्सन हु हैज एनी इंफॉर्मेशन. यू हैव प्रोवाइडेड मी एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दैट हैव आई आस्क्ड ड्यूरिंग द ऑडिट. इस ऑडिट के दौरान मुझे जितनी चीजें चाहिए थी आपने प्रोवाइड की, लिख के दो. ठीक है, कल को अगर वो कहे कि नहीं मैंने तो इनसे कहा था मैं आपको जो है इस टाइम पे ईमेल कर दूंगा, तो ये बात ना हो. हम उसे पूरा एविडेंस मांगते हैं. अगर हो सकता है बाद में हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नजर आ जाए जो ऑडिट के टाइम में हमें नहीं पता थी, तो इस पे हमारा कसूर नहीं होगा बल्कि किसका होगा, उस क्लाइंट का. उसने लिख के दिया होगा ना कि मैंने इसको सारी इंफॉर्मेशन दे दी, जबकि उसने हमें सारी नहीं दी. ठीक है, तो ये जो आपका राइट्स का टॉपिक है इसको आपने स्टडी करना है. इट्स ऑल रिलेटेड टू बुक्स के ले लें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले लें, कोई इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी डायरेक्टर के पास हो, किसी ऑफिसर के पास हो, किसी एम्प्लॉई के पास हो, वो आप तमाम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. कोई पर्सन जो किसी बुक कंपनी बुक्स अकाउंट्स या वाउचर्स को बना रहा है जिसकी कस्टडी में, आप उसको ही एक्सेस के ले सकते हैं. उससे कोई इंक्वायरी करना चाहे उससे ले सकते हैं. एनी सब्सिडरी अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं. और कोई सब्सिडरी की कंपनी के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं जिनके पास यही इंफॉर्मेशन है, वो डायरेक्टर हैं, या इवन सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर से भी डिस्कशन कर सकते हैं. ISA 620 के अंदर हम इसको फर्दर भी देखेंगे. ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी तो क्या होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मैनेजमेंट की होगी. ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर को हम देखेंगे इंशाल्लाह अपने चैप्टर 14 के साथ. आगे स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में. इसमें कोई इतनी खास वो कहें कि कोई इतनी कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, लेकिन क्या गिवन है, सीएमए आप लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके अंदर होता क्या है, सीएमए के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हैं. सीएमए के अंदर देखिए आप लोग FR1 भी पढ़ रहे हैं, कभी सोचा इन दोनों में फर्क क्या है, FR1 क्या है और CMA क्या है. CMA के अंदर, FR1 के अंदर आप रिपोर्टिंग पढ़ रहे होते, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तमाम एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं. जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट, जिसको आप डिस्क्लोजर भी कहते हो. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये तमाम चीज़ें कैसे बनानी है, ये तमाम चीज़ें कैसे डिस्क्लोज करनी है, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो फर्दर एलिमेंट्स हैं वो कैसे आएंगे, उसकी क्या स्टैंडर्ड है, उसकी क्या अकाउंटिंग है. CMA में क्या है, अगर हम CMA को देखें, CMA किस चीज़ को डील कर, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट को मैनेज करो. किस चीज़ की कॉस्ट को, प्रोडक्ट की कॉस्ट को, ऑपरेशन कॉस्ट को, यही है ना कॉस्ट. और कौन सी कॉस्ट है हमारे पास, यही कॉस्ट आती है. ऐसे ही प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कॉस्ट को मैनेज करो. ठीक है, उस प्रोडक्ट को उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कितना प्रॉफिट आपको उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चाहिए. ऐसा ही है, कितना मार्कअप चाहिए. ठीक है, ऑपरेशन कॉस्ट हमारी एडमिन की कॉस्ट है, उसको कैसे कम कर सकते हो, किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हो, किस तरह मैक्सिमम ऑपरेशनल बना सकते हो. इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीजें जो कॉस्ट है, ये तो मेरे पास सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आती है. कहाँ कहाँ आती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती है. कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या, प्रोडक्ट की कॉस्ट. और ऑपरेशनल कॉस्ट कौन सी आती है आपके पास, एडमिन कॉस्ट. ठीक है, आपके पास सेलिंग कॉस्ट, ये तमाम कॉस्ट आपके पास यहाँ पे आ गई. इसका मतलब ये हुआ कि CMA के अंदर मैं सिर्फ इन दो चीजों को डिस्कस कर रही हूँ, जबकि इधर मैं इन सब चीजों को डिस्कस कर रही हूँ. अब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर बन के आने वाली कॉस्ट ऑफ सेल दर हकीकत तो यहीं से बन के आएगी. स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर बनने वाले आने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इधर से ही आएगी,
बाकी तमाम चीजें सीएमए नहीं डील कर रहा, वो कौन डील कर रहा है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डील कर रहा है, उसके मतलब उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड मौजूद है। तो अगर हम कॉस्टिंग की तरफ जाएं, आप लोग जी दानियाल कॉस्ट पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं? नो मैम, अभी कॉस्ट नहीं पढ़ रहा। वे नहीं पढ़ रहे, चलें थोड़ा ओवरव्यू हो गया आपको, थोड़ी समझ आ गई? यस मैम। ठीक है जी, अगर एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट बनाना है, अभी आपका अल्फा वन का सिलेबस चेंज हुआ है, इससे पहले, इस अटेम्प्ट से पहले, यानी कि आपके पास जो स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट है, इससे पहले जो ऑटम 2021 या उससे पिछले जितनी भी अटेम्प्ट हैं, वहाँ पे अल्फा वन के किताब के अंदर एक चैप्टर आपका कॉस्टिंग का भी होता था, जो कि उन्होंने अब ख़त्म कर दिया है। अगर आपने अल्फा वन पढ़ी होती है, अगर आप उस पिछले अटेम्प्ट से पहले पास की हुई है, तो फिर भी आपको इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल क्या होता है, क्या सामान चीजें इस्तेमाल हुई उसको बनाने के लिए। सपोज हम बना रहे हैं एक अदद केक, मटेरियल क्या होगा? फ्लोर होगा, शुगर होगी, बेकिंग पाउडर होगा, मिल्क होगा, ऑयल होगा, ऐसा ही है। लेबर कौन होगा? दानियाल साहब को जो बना रहे, सपोज अगर दानियाल साहब बना रहे, ठीक है। ओवरहेड क्या लगे, ओवरहेड का क्या मतलब होता है जी? कितना बिजली का खर्चा आया, सपोज इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ऐसा ही है। अगर आप उसको ओवन में बेक कर रहे हैं और गैस ओवन में कर रहे हैं, तो गैस का ऑब्वियसली एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर ओवरहेड। लेबर क्या है, उसके बनाने वाले की कॉस्ट, कितनी वो कैसे कॉस्ट पर आवर, सपोज दानियाल चार्ज करते हैं पर आवर के हिसाब से कि जी मैं ये काम करूँगा तो इतने पैसे लूँगा। और ओवरहेड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, और अगर सपोज किसी शॉप में बना रहे हैं तो उस शॉप का रेंट भी तो होगा, फ्लोर रेंट जिसको हम कहते हैं। अब इन तमाम चीजों पे जितने पैसे, सपोज हम कहते हैं मटेरियल के ऊपर आया 100 रुपया, दानियाल ने जो बनाया पर आवर के हिसाब से कहते हैं मेरे 100 रुपया एक घंटे का चार्जेस है। हम कहते हैं सपोज केक बनाने में 100 ही लगा, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फ्लोर रेंट को टोटल मिला के 50 हुआ, तो हमने कहा ये टोटल केक बनाने की कॉस्ट है 250 रुपये। अब दानियाल इस पे कुछ परसेंटेज मार्जिन रख के, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रख के इसको सेल आउट कर सकते हैं। सपोज हम कहते हैं 100 रुपीज रखा इन्होंने प्रॉफिट, और इसको सेलिंग प्राइस इसकी कितनी हो गई, 350 इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। अब ये जो सारी कार्रवाई की हमने, ये इस पे कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना ओवरहेड लगा, ये हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था रिपोर्टिंग के अंदर? नहीं, हमने तो रिपोर्टिंग के अंदर नहीं पढ़ा। हाँ, इसकी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगी, कितना मटेरियल हम क्या करेंगे, एक केक की बना लेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट, पर केक कॉस्ट कितनी है, हम कहते हैं जी 250 है हमने बना लिया। अब आपको 10 केक बनाने पड़ जाएं, 20 बनाने पड़ जाएं, 40 बनाने पड़ जाएं, 50 बनाने पड़ जाएं, 100 बनाने पड़ जाएं, आप निकाल सकते हैं कि आपको केक बनाने में कितने पैसे लगेंगे? जी निकाल सकते हैं। यस मैम। ये है आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग। अब अगर आपने किसी इंडस्ट्री का, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ऑडिट करना है, अगर सपोज वो ऑडिट करने जाते हैं जी, कोई एग्जांपल दे किसी, हम कहते हैं सपोज हमारे पास एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जी जो वेलफेयर के काम करती है, रमजान के अंदर कुछ पैकेज डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। हम कहते हैं जी रमजान पैकेज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो
कोई आप ये कह सकते हैं रमजान पैकेज कहते हो, मोनिटारली हेल्प कर रहे हैं। ठीक है जी, इसके ऑडिट के लिए चलेंगे, इसके लिए ऑडिट के लिए चलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। आप पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड, उसके अंदर क्या होता है, आपके पास जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रेहेंसिव इनकम को हम क्या कहते होते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम जी देखेंगे इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे तो हम कहेंगे देखो बताओ जी हमें कितनी डोनेशन आई है, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्रिप्शन मनी कितना है, ठीक है, और फिर आपने एक्सपेंसेस कितने किए, कितने पैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये तमाम चीज़ें आएंगी इसी तरह। लेकिन अगर आपको कह दिया जाता है कि जनाब आपने जाना है ऑडिट करने जाना है एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का जो के बनाती है सुपर बिस्किट, तो अब जब इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने ऑडिट करना है और इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को ऑडिट करना है और फर्दर डिग डाउन करें तो उसके अंदर सेल एंड देन द मेजर पोर्शन कॉस्ट ऑफ सेल को ऑडिट करना है, तो इसका मतलब है इस पर तो बहुत ज़्यादा काम करना होगा। क्यों, बिस्किट बनाने की कॉस्ट के अंदर कितना मटीरियल, कितना लेबर, कितना ओवरहेड है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, और फिर कोई एक टाइप का बिस्किट तो नहीं होता, सॉरी मतलब सुपर बिस्किट की एक टाइप की पैकेजिंग तो नहीं होती, एक टिक्की पैक होता है, एक फैमिली पैक होता है, ठीक है, एक हाफ रोल होता है, कोई और उसके टाइप्स फ्लेवर टाइप्स भी हो सकती है, उसकी प्राइसिंग डिफरेंस होगी। इसका मतलब है यहाँ पे बहुत डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट बनती हैं, ठीक है, जहाँ पे डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती होंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑडिटर जाएगा ऑडिट करने के लिए उसको वो तमाम डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट भी तो चाहिए होंगी, ऐसा ही है, बात समझ रहे हैं। और उससे अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर लॉ ने की है तो वो उसको फॉलो करेगा। पढ़ते हैं जरा, वेयर एनी कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट टू इंक्लूड इन बुक्स ऑफ अकाउंट द पर्टिकुलर रेफर्ड टू देयर इन, ठीक है, किसी कंपनी या क्लास ऑफ कंपनी, हमने देखा ये कौन सी कंपनीज होंगी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो चीजें बनाते हैं, जो खुद मैन्युफैक्चरर है, याद है ना सेल्स एक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो हमने कहा जो रॉ मटेरियल को असेंबल करता है, कर डाइल्यूट, बॉटलिंग, पैकेजिंग, वो तमाम चीजें कि जनाब उस रॉ मटेरियल को एक डिस्टिंग एक डिफरेंट शेप के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और इस प्रोसेस के थ्रू गुजारता है, ठीक है, बात समझ के। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो आपको एक्ट के मुताबिक लॉ ने बताया कि आपने ये बुक शामिल करनी है, तो उस कंपनी के लिए आप वो तमाम चीजें डिटेल शामिल करेंगे, ठीक है। आप कमीशन कौन है, कमीशन है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये डायरेक्शंस भी दे सकता है कि अगर किसी आपने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ऑडिट करना है तो आपको फर्दर डायरेक्ट भी कर सकता है कि ये चीज भी देखो, इस चीज को ऐसे ऐसे करो, ये वाले लॉज भी चेक करो, ठीक है, आपके पास कोई बहुत सारे ISO हो सकते हैं, इन चीजों को भी चेक करो। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का कौन ऑडिट कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस भी, एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज पर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्ट 1966 के मुताबिक ये ऑडिट कर सकता है। और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास एग्जैक्टली वही राइट्स, लायबिलिटीज, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा जो ऑडिटर का था, यानी कि आपने जो तमाम बातें पढ़ी थी, जो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड पड़ी थी, वो तमाम बातें एज इट इज इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी, ठीक है, ये बात समझ लें कि yes. अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का हमने इससे यहाँ पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड तमाम बातें एग्जैक्टली कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपॉइंट करना है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ये तमाम चीजें उस पर एप्लीकेबल होंगी एज इट इज। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड बातें थी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ये तमाम चीजें अवेलेबल एलिजिबल होंगी, यानी कि अगर सवाल में आ जाता है कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसके हाउस के शेयर्स हैं या इन्वेस्टमेंट स्कीम है या फिर उसका फैमिलियरिटी रिलेशनशिप है या फिर वो 3 ईयर्स
पहले एम्प्लॉय था किसी कंपनी के अंदर, उसी का ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, पर है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो ये नहीं कहना ओ ये तो हमने ऑडिटर के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आप यहाँ पे देखें अपनी बुक में क्लियरली मच मेंशन है, सच ऑडिटर विल हैव द सेम पावर्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। तमाम पावर्स होंगी, जो ड्यूटीज जिसको भी हमने स्किप किया वो तमाम ड्यूटीज उस पर भी अप्लाई होंगी, एंड सच द पावर्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज एज मे बी स्पेसिफाइड फर्दर, और स्पेसिफाई कर सकता है कौन, कमीशन, ठीक है जी। लास्ट थ्री लाइंस पढ़ते हैं, दानियाल मुझे बता दें इसमें क्या कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कमीशन बिल्कुल सही। अपॉइंट करेगा ऑडिटर। नहीं नहीं दोबारा पढ़े। इसका मतलब यह है कि सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, सपोज बिस्किट बनाने वाले हैं, उसके पास कोई ना कोई जैसा आपके देखते नहीं ऑयल का कमर्शियल होता है, उसमें लिखा होता है ISO 9001 सर्टिफाइड, कभी देखा है इस तरह का यस मैम दिखा दे। प्लान सर्टिफाइड। वो कहता है कि अगर बिजनेस सेक्टर मुख्तलिफ है ना, अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्लोदिंग के हिसाब से भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न शू इंडस्ट्री का भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऑयल इंडस्ट्रीज का भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कुछ वो भी बना सकता है, कुछ स्टील का प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स तो बहुत सारे होते हैं ना, वो जो भी चीज़ बनी है, कोई प्लास्टिक से रिलेटेड है, कोई स्टील से रिलेटेड है, कोई आपके पास कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से रिलेटेड है, ये तमाम है तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ही, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट से अफिलेटेड है, कोई गैस के इक्विपमेंट से अफिलेटेड है, अगर आप अपने घर में नजर दौड़ाएं तो कितनी सारी चीजें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की, देखें फ्रिज बनाना होगी, वॉशिंग मशीन होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी सारी चीजें, ये जो आपके पास स्विच बल्ब लाइटें घर में लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, खा पी रहे हैं, ये तमाम चीजें कोई मैन्युफैक्चरर वही तो बना रहे हैं। तो कह रहे हैं उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी तो होगी जो उसको डील कर रही है। सपोज ये जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है जी, हमारे पास है कि जी आपने कॉपर वाली वायरिंग यूज करनी है, दूसरी वाली अगर आप यूज करेंगे या ऐसी चीज इसके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज हैं तो शॉर्ट सर्किटिंग का खतरा है, तो वो जो कंपनी ये जो चीजें बना रही है तो उसके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी ना जो इसको देख रही होगी, कोई स्टील का प्रोडक्ट बना रहा है, कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट बना रहा है, तो कह रहा है कमीशन इस चीज का ख्याल रखेगा कि कोई भी जो बिजनेस रेलेवेंट सेक्टर है उसके ऊपर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी अपॉइंट हुई हुई है उसके भी फर्दर क्या लॉज एंड रेगुलेशन है, ठीक है। अगर वो ओके मैम रेगुलेटरी अथॉरिटी में फर्दर कोई लॉज या रेगुलेशन बताए हुए हैं तो SECP ऑडिटर से कहेगा उसकी भी कंप्लाइंस चेक करो, उसको भी देख लो। हमने यहाँ पे क्या डायरेक्शन कौन देगा, SECP डायरेक्शन देगा कि इस कॉस्ट इस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ऑडिट कैसे होगा, और हमने ये भी देख लिया कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है और कॉस्ट मैनेजमेंट भी अकाउंटेंट भी कर सकता है, और ये दोनों को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑडिटर। और ऑडिटर अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए तो उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि पहले तो वही बताता है कि जी ये जो ऑडिटर है ये कौन है, ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर आपके पास कम एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस, ठीक है जी। तब इसको देखें यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्लॉज के अंदर मौजूद था, जी लिखा हुआ है पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, और एंड करके दोनों बातें लिखी हुई उसने कि क्या लिखा हुआ है कि जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, या फिर इसके अलावा जो कंपनीज हैं जो ऊपर मेंशन की थी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए, उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ से पता चल गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन दोनों के लिए सेम टू सेम एप्लीकेबल है, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। आगे चलते हैं, आगे जो हमने देखना है इसको हम यहाँ पे खोल लेते हैं। अब इसे टॉपिक है, कभी ये टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन ये इंफॉर्मेशन है। बिफोर स्टार्टिंग टूवर्ड्स आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जो जिस तरह FR1 के अंदर स्टैंडर्ड्स थे वो होते थे IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 7, 10, 8, 16, 20, 23, 36, ये वो स्टैंडर्ड्स हैं 16 जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। IS 7 था कैश फ्लो, ठीक है। IS 10 नहीं आप लोगों ने पढ़ा, IS 8 पढ़ा है अकाउंटिंग एरर्स है, 16 था आपके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गवर्नमेंट ग्रांट है, बर्विंग कॉस्ट है, इम्पेयरमेंट है एंड प्रॉपर्टी प्लांट है इक्विपमेंट, ठीक है जी। ये आप FR1 के अंदर पढ़ चुके हैं। फिर FR2 के अंदर बड़े, आपने FR2 के अंदर IS 10 को भी देख लिया, IS 12 को भी देख लिया, ठीक है। वहां पे तो ये IAS थे, ठीक है। थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं इन ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। बैकग्राउंड में क्या जाना है कि ये स्टैंडर्ड बनाता कौन, चाहे वो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हो चाहे वो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड हो, हमारे पास एक बॉडी है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, इसको हम कहते हैं IFAC, ठीक है जी। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? ठीक यस मैम हो रही है। है, ये वेबसाइट है हमारे पास IFAC की, नजर आ गया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। अगर आप इसकी वेबसाइट को टिक डाउन करें, हु वी आर, व्हाट वी डू, नॉलेज गेटवे, ठीक है। हु वी आर द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अकाउंटेंसी प्रोफेशन कंप्राइजिंग 180 मेंबर। अच्छा, आपकी किताब में ना 175 मेंबर लिखा हुआ है एंड एसोसिएट आई गेस लिखे हैं 130, ठीक है। सेंस ये मतलब अपडेट होती रहती है, तो इस वजह से ये नेम चेंज है कि जी हम एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए, अकाउंटेंसी प्रोफेशन के लिए, जिसके अंदर 3 मिलियन से ज़्यादा प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान भी IFAC का मेंबर है, सही है। अगर हम आप देखें लिस्ट क्या है मेंबर्स की या एसोसिएट्स की, वो जो कह रहा था कि मेरे पास 180 से ज्यादा मेंबर है, ये कंट्रीज के नेम नजर आ रहे हैं आपको, यस मैम ठीक है। आगे स्टेटस लिखा आ रहा है मेंबर, आगे नाम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑथराइज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ अल्बानिया। हम तो अपने सब बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश क्या है, मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ बांग्लादेश। इसी तरह इंडिया भी इसका मेंबर है, हम जाके देखते हैं अपने प्यारे पाकिस्तान को, ये जी वहां देखें कुछ एसोसिएट्स भी है नजर आ रहे हैं, किर्गिस्तान, लग्जमबर्ग, आगे जाते हैं मॉरिशियस एसोसिएट है, मंगोलिया एसोसिएट है, नीदरलैंड एफिलिएट है। अब एफिलिएट क्या होता है इसको भी देखते हैं जी। पाकिस्तान मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर जब हम उस पर क्लिक करें तो ऊपर नजर आता है कि जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसके अंदर कितने 8,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान, किस एक्ट ऑर्डिनेंस के मुताबिक बना है वो भी लिखा हुआ है, और कब बना है वो भी मेंशन है, और साथ में आपके तो पास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान में नजर आएगा, और साथ में एक और पाकिस्तान की एक बॉडी है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंट। अच्छा, ये तीनों तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, इधर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट होते हैं, ये तीनों इसके साथ क्यों इसके मेंबर हैं, ये भी देखने वाली बात है, ये तीनों इसके क्यों मेंबर हैं। तो अच्छा, एफिलिएट क्या होते हैं, एफिलिएट जानते हैं, एफिलिएट वो होते हैं जिस तरह आपको पता होगा कि वो लोग जिन्होंने इंटर तक एग्जाम पास किया हो और उनके पास आर्टिकलशिप भी कंप्लीट होगी और एक दो पेपर पास हो, तो उनको एक डिग्री मिलती है एफिलिएट की, ठीक है। कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते, वो क्वालिफाइड मेंबर नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं, एफिलिएट होते हैं। तो वो कंट्रीज जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं
लेकिन somehow attached होते हैं उनकी पॉलिसी के साथ, उनको हम affiliate करते हैं, कहते हैं। हम इसको यहाँ पे फर्दर देख भी सकते हैं, members and associates इसकी वेबसाइट पे मौजूद है, अगर हम अभी तो शायद नहीं नजर आ रहा। ठीक है जी, तो चलते हैं। ये तो हमने देखा जी, IFAC है एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वांटेड। ये IFAC करता क्या है? अभी हमने देखा जी, IFAC हमारे पास वो जो आ रहा था, व्हाट वी डू, हु वी आर, what we do, we support the development, adoption, and implementation of high quality international standards. हमारा काम क्या है? हम develop करते हैं, उस develop करने के, develop से मुराद क्या, हम बनाते हैं, फिर ये जो members हैं उन standards को adopt करते हैं कि जी हाँ हम इस standard को अपने मुल्क में adopt कर रहे हैं, एंड देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि क्या वाकई में स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं है। जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है अकाउंटिंग के अंदर, सिंस हम इसके मेंबर हैं, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट के थ्रू हो रही है। अब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट जो है, इसके अंडर चार बोर्ड्स हैं, सही है, फोर बोर्ड्स हैं। अब वो बोर्ड चारों क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं। उसमें से दो तो तीन बोर्ड जो हैं, वो आप ऑलरेडी उससे रिलेटेड चीजें देखेंगे, अभी देखते हैं। सबसे पहला बोर्ड है IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये वो इन्हीं शेयर हो रही कब से? मैं अभी 2 मिनट में होंगे। ओके, इससे पहले जो मैं आपको वेबसाइट दिखा रही थी वो शेयर हो रही थी? यस मैम, वो हो रही थी। हाँ, अब हो गया शेयर। चलिए ठीक है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, एक तो बोर्ड ये आ गया। अब ये इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये बनाता है स्टैंडर्ड ISAs जो हम पढ़ेंगे। जो हमने कहा था ना ISA 200 सीरीज, 300 सीरीज, 500 सीरीज, 600, 700 सीरीज, ये जो आपके सिलेबस में है, वैसे वहाँ पे 800 सीरीज भी है, 400 सीरीज भी है, ठीक है, लेकिन ये वो सीरीज हैं जो आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है, जिनको हम देखेंगे। अच्छा जी, चलो जी, इंटरनेशनल ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड तो ऑडिट से रिलेटेड आपके पास स्टैंडर्ड बनाते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है IAESB। ये क्या है? ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड। ये कौन सा वाला है जी? ये वो वाला है जो आगे आपने IAS या IFRS बनाने वाला बोर्ड, ठीक है। तीसरा बोर्ड है IESBA। ऑडिट के पेपर में आप इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स और इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड दोनों पढ़ेंगे। IESBA क्या बनाता है? ये बनाता है इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर अकाउंटेंट, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड्स फॉर अकाउंटेंट्स। ये जो आपका 14 चैप्टर है, जिसके अंदर जो चैप्टर का नाम ही कोड ऑफ एथिक्स है,
जी डैनियल, आई एम ऑडिबल टू यू? यस मैम, आ रही है, पहले रुकी थी। ओके, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा जी, तो हमने कहा ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, जो हमारा चैप्टर 13 है, वो इसी इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट ने ही बनाया, ठीक है, जो कि हम इसको स्टडी करेंगे। तीसरा हमारे पास एक और बोर्ड भी है जो IFI के अंदर आता है, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IPSAB, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, ये IPASB, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब समझ आया कि हमने देखा IFI के अंदर तीन मेंबर्स थे, एक तो ICAP था, दूसरा कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट था, तीसरा था PIFPA, जो PIFPA है वो इधर फॉल करता है, यानी कि PIFPA जो हमारा इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर, उससे वो जब जो वो पढ़ना चाहते हैं वो पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो उसको यहाँ से IPSAB से मिलेंगे, ठीक है जी। अब हमारा जो अंडर है वो ऑब्जर्वेशन, वो IASB और IESB है इस ऑडिट के पेपर के लिए, तो ये तो आपने FR1 रिपोर्टिंग के पेपर में देखना, ये वाला आपने देखना ही नहीं है, ठीक है, ये बाकी तीनों आप इनसे रिलेटेड दिए गए स्टैंडर्ड्स को पढ़ते हैं। अब सर अगर पहले हमारे पास नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4.3, जो है प्रोसेस फॉर इशूइंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अगर आपने एक नया ऑडिट स्टैंडर्ड बनाना है तो उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले देखिए, अगर सपोज हम करते हैं कि एक ऑडिट स्टैंडर्ड बनाना है, मैं कहती हूँ ऑडिट सैम्पलिंग से रिलेटेड है, कि जब मैंने ऑडिट करना होता है तो इतना ज्यादा डाटा होता है, तो मैं उस सारे डाटा को 100% वाउच तो नहीं कर सकती, 100% वाउच का मतलब है चेक तो नहीं कर सकती, तो मुझे एक सैंपल चूज करना होता है उस डाटा में से, एक सैंपल बनाती हूँ और उसका मैं करती हूँ ऑडिट। अब वो सैंपल कितना होना चाहिए, उसका साइज कितनी होना चाहिए, उसकी पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें क्या पर्सपेक्टिव हैं, किस तरह चीज़ों को देखूं, क्या वो जो मैंने सैंपल लिया है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम सपोज करते हैं कि इससे पहले कोई स्टैंडर्ड नहीं है और पहली दफ़ा इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो ये होगा कि हमने अपना उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसके लिए हमें वो स्टैंडर्ड बनाना है। वो स्टैंडर्ड हमने, सब्जेक्ट हमने क्या कह दिया, वो हमारे पास है ऑडिट सैंपल, कि वो सैंपल क्या होना चाहिए, उस सैंपल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम उस सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि इस पे हम करते हैं डिटेल्ड स्टडी, तमाम चीज़ों का डेटा इंफॉर्मेशन लेते हैं, इस पे करते हैं डिटेल रिसर्च, और रिसर्च करने के बाद बनाते हैं एक अदद एक्सपोजर ड्राफ्ट। जब आपने ये एक्सपोजर ड्राफ्ट बना लिया तो फिर आप क्या करते हैं, उस एक्सपोजर ड्राफ्ट को सेंड करते हैं अपने मेंबर्स में। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, जी ये देखें, एक ईमेल है जैसे आई हुई है, ठीक है, अब ईमेल किधर से है, ईमेल लिखकर सब्जेक्ट पर रिक्वेस्ट फॉर कमेंट ऑन IASB हमने अभी देखा है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इशूड एक्सपोजर ड्राफ्ट, कि इस इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू किया है, जिसको भी हमने अभी हमने यहाँ पे देखा कि अगर आपने कोई टॉपिक है उस पर सर्च, आपने उसके लिए स्टैंडर्ड बनाना है, तो सबसे पहले तो उस सब्जेक्ट को चूज करेंगे, फिर क्या करेंगे, उस पर डिटेल स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे और फिर बनाएंगे एक्सपोजर ड्राफ्ट। पहला स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फिर स्टेप 4 क्या है, इस एक्सपोजर ड्राफ्ट को आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने तमाम मेंबर्स में। आपने अपने मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया, मेंबर कौन था,
ICAP मेंबर था, ये देखिए, और ICAP ने किसको भेज दिया, अपने मेंबर्स को जो प्रोफेशंस उसके साथ एसोसिएटेड है, उन सबको ये भेज दिया कि जी ये हमने बना लिया, इस पे आपकी कमेंट्स चाहिए। अभी अगर इस ईमेल का कंटेंट देखे तो इस ईमेल में क्या लिखा हुआ कि ये एक्सपोजर ड्राफ्ट है, व्हाट आर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स इन एक्सपोजर ड्राफ्ट, इस प्रपोजल ये है क्या चीज, नॉन करंट लायबिलिटीज विद कोवेनेंट्स प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू IS-1, कि आपके IS-1 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स है उससे रिलेटेड है जो कि आपके इस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर फर्दर आएगा। एंड पे देखिए, एंड पे क्या लिखा हुआ है, ये एक्सपोजर ड्राफ्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो क्लिक करें। क्या कहता है, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू बी पार्ट ऑफ अवर कंसल्टेशन प्रोसेस एंड लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स ऑन द एक्सपोजर ड्राफ्ट, काइंडली यू सेंड योर कमेंट्स टू दिस ID बाय March 17, 2022, कि इस टाइम तक आप इसके ऊपर अपने कमेंट्स दीजिए। तो यही इसका प्रोसेस था, यही स्टेप्स है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट के बाद जो भी आपके पास कमेंट्स आएंगे आप उनको फर्दर देखेंगे, ठीक है। उन कमेंट्स को अगर आपने वो उसमें से कुछ ऐसे हैं कि आपने कुछ अमेंडमेंट करनी है तो आप अमेंडमेंट कर लेंगे उस कमेंट्स के अप्रूवल के बाद, और फिर आप क्या करेंगे, फाइनल ड्राफ्ट इशू कर लेंगे, जिसको हम कहेंगे फाइनल ड्राफ्ट क्या होगा, न्यू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, न्यू ISA, सही है। सो ये हमारे पास एक प्रोसेस है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के इशू करने का, कि सबसे पहले आप देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, उस पर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसका एक ड्राफ्ट बनाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस पर कम आने वाले कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, एंड देन न्यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग आप इशू कर देते हैं, ठीक है जी। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने अपने जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव पिछला था उसमें से तो हमने सिर्फ 3.5 को देखा है, और आगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में 4.1, 4.2, 4.3 पढ़ा है, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, इसको ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, अब आपने इसको डिटेल में स्टडी करना है, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, डेफिनेशन क्या है, इसको थरेली आप रीड कर दीजिए, ठीक है जी। जी नाना, एनी क्वेश्चन? देखिए जब आप इसको रीड करेंगे, मैंने आपको इतना इससे रिलेटेड डाटा दिखाया है, आपको वेबसाइट भी दिखा दी है, मेंबर्स भी दिखा दी हैं, थोड़ी चीजें तो याद रहेंगी, ठीक है। क्वेश्चन इसे नहीं आता, लेकिन मेरे हाल में अगर आपको ये सारा जो मैंने बताया है अगर वो समझ आ गया है, प्रोसेस क्लियर हो गया है, तो रीड करने से आइडिया तो हो जाएगा ना कि yes, आपको इसका मैं इसमें ऐसा रट्टा लगाने वाली कोई चीज है नहीं। हाँ, ये जो नाम है बोर्ड्स के, ये आपको आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि दो तो रेलेवेंट है आपसे, IAAS-T और IES-T, ठीक है, ये तो आपके बार बार आएंगे, ये जब बार बार आएंगे तो आपको इनके एब्रीवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है, वो तो कोई इशू नहीं है। दूसरा, आप लोगों की जो है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, आई डोंट थिंक सो कि आप एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हैं, तो उसके ऊपर तो ये तमाम चीजें मेंशन होती हैं बोर्ड्स के बारे में, जो पहले 2-3 सफे हैं उसके अंदर ये चीज, इतनी चीज आपकी किताब में लिखी हुई है, ये मेंशन है, ठीक है। सो आगे हमने, कल हमने स्टार्ट करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4.4, 4.5 और 4.6, बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तान्याल, संडे को आपको पता है ना आपके चैप्टर 1 का टेस्ट भी है, यस मैम, ठीक है, तो साथ साथ आपने इसको प्रिपेयर करना है, हमारे अगले 1-2 दिनों में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और संडे को इंशाल्लाह आपका इसका चैप्टर का टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है जी दान्याल, ओके मैम, चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मैम।